अब शोएब राउट देखते हैं पहले। तो शोएब राउट में आप यहां देख रहे हो L1 और 8 2.000 IS IS IS, और ये उसके लेवल के राउट्स हैं 2 और 3। ठीक है, शोएब डेटाबेस ये डेटाबेस है। अगर L1 L2 राउटर होता तो दो डेटाबेस बनाता है, L1 भी और L2 भी। अब यहां देखने वाली बात क्या है, यहाँ दिख रही है आपको LSP ID। ये LSP ID जो मैंने आपको वीडियोस में लास्ट वीडियोस में बताई थी कि ये क्या है, ये System ID है, ये Serial Node ID, ठीक है, ये Fragment Number है। ठीक है, Serial Node ID क्या होगी, जो राउटर सीडो नोड होगा, जो राउटर सीडो नोड होगा केवल वो। तो यहाँ पर जो हमारा DIS है वो सीडो नोड है, और देखा जाए तो R3। तो अब पहले आप यहाँ देख लीजिए R1 की ये लोकल आईडी है जिसके आगे स्टार लगा होता है। अगर आप यहाँ डेटाबेस देख रहे होते हैं तो ये है स्टार का मतलब, ये इसी लोकल राउटर का ही LSP है। LSP का चेकसम है, LSP का होल्ड टाइम है, और यहाँ 3 बिट दिखाई दे रहे हैं, 28 बिट, पार्टीशन, ओवरलोड बिट, ये अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, R1 की एक LSP आपको रिसीव हो रही है, R2 ने एक LSP भेजी हुई है, ये वाली ये उसका सीक्वेंस नंबर है। R2 ने एक LSP भेजी हुई है जिसमें आप देख रहे हो 0 है। ये अभी जब मैंने पहले इस डिज़ाइन को लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग की थी तो ये मैंने DIS बनाया था, तो ये उसकी वजह से दिखाई दे रही है। अभी तक डेटाबेस में से उसका टाइमर ख़त्म नहीं हुआ है, तो 20 मिनट नहीं हुआ उसे, तो ये जैसे ही ये टाइमर 0 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इसमें से फ्लश हो जाएगी। तो इस पर अभी आप लोगों को ध्यान नहीं देना। यहाँ ये करंट सिचुएशन है, R3 यानी आपका जो DIS है उसकी अपनी लोकल, और R3 का जो सीडो नोड LSP R3 ने जो बनाया, क्योंकि DIS है वो, तो यहाँ 0 1 आपको जो दिखाई दे रहा है ये सीडो नोड ID इस बीच में। तो R3 आपका इस समय DIS हो गया, ये आपको पता कैसे लगेगा, जो IP प्रोटोकॉल भी अगर आप करते हो। ये तो आपका अच्छा राउटिंग बता रहे, शो CLNS इंटरफेस कीजिए। तो यहाँ हमारा सबसे पहला इंटरफेस है जो CLNS राउटिंग से इनेबल है, फास्ट इथरनेट 0.0.0। इसमें आप देखें, यहाँ पर देखने वाली बात है, राउटिंग प्रोटोकॉल IS IS है, सर्किट टाइप Level 1 2 है। ठीक है, इंटरफेस नंबर 0x0, लोकल सर्किट ID इसके 0x1 है, Level 1 मेट्रिक 10 है, बाई डिफॉल्ट जो मेट्रिक आती है 10 आती है, इसकी प्रायोरिटी 64 है, डिफॉल्ट प्रायोरिटी पर है। सर्किट ID R301 है, यानी कि सर्किट ID क्या हुई, ये आपके सीडो नोड की ID हुई जिससे आपको पता लगता है कि आप ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर हो। DR ID ये लिखा हुआ है R301। ठीक है, नंबर ऑफ एक्टिव लेवल एडजेसेंसी, दो एडजेसेंसी बना रखे हैं इसने, R2 से और R3 से, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो शो IS IS डेटाबेस, ठीक है, इसे डिटेल में अगर देखते हैं तो हर LSP के बारे में आपको ये बताएगा। तो सबसे पहले LSP जो इसकी लोकल है R100, एरिया एड्रेस यहाँ पर लिखा आ गया 49001, ये आपका Area 1 है। ठीक है, होस्ट नेम आपका R1 है, IP एड्रेस 1.1.1 के बारे में बता रहा है आपको। ठीक है, दो नेटवर्क मैट्रिक 10.0 1.0, आपका फास्ट इथरनेट और लूपबैक, डिफॉल्ट मैट्रिक 10 होती है IS IS में, और ये R301 क्या है, ये सीडो नोड का एक नेटवर्क है, सीडो नोड जो अपने आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीडो नोड LSP जो है उसके बारे में बताता है। ऐसे ही दूसरा R2, ये R2 की LSP है। ठीक है, उसका एरिया एड्रेस है, उसकी नेटवर्क लेयर ID है, IP एड्रेस है, होस्ट नेम है, और ये है। अब जो इसमें सीडो नोड LSP देखोगे R3, ये बोलिए, ये R3 की लोकल LSP है जो उसकी अपनी इंफॉर्मेशन बता रही है, उसके पास कौन कौन से एड्रेस है, 10 का नेटवर्क है, 3 का नेटवर्क है। ठीक है, ये जो है R301, ये सूडो नोड LSP है, ये क्या बताता है, इसमें नेटवर्क्स नहीं होते, इसमें राउटर्स के नेम होते हैं। कि ये जो सूडो नोड है ये इन 3 नेटवर्क डिजाइन को, जैसे नेटवर्क आपने OSPF में अगर आपको याद हो तो LSA टाइप 2 कैसे
क्या करता था, नेटवर्क के डिजाइन को यानी टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट करता था। ऐसे ही बता रहे कि मेरे इस टोपोलॉजिकल ग्राफ में 3 राउटर्स कनेक्टेड हैं मेरे से, तो R3 तो मैं हुई हूँ, तो R1 और R2 मेरे से एडजेसेंट है। तो इससे आप नेटवर्क का ग्राफ बना सकते हो और L2PF की कंप्यूटेशन इसी के अकॉर्डिंग चलती है। तो ये आपका क्या होगा, Area 1 विथ DIS कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी को बदलना चाहते हो, जस्ट लाइक आप R1 को DIS में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको जस्ट प्रायोरिटी आप बदल सकते हो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और ISIS प्रायोरिटी। आप यहाँ देखें तो 127 तक है, तो 64 डिफॉल्ट है, तो मैंने इसको 100 कर दिया। जैसे आप ये करोगे इमीडिएट चेंज हो चुका होगा, शो ISIS डेटाबेस। तो आप देखो कि R1 ने LSP बना लिया एक DIS की सीडरवुड, और ये जो थी पुरानी वाली R3001 ये 0 हो गई है। LSP किसी काम की नहीं है, DIS से कोई मतलब नहीं है। अब जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इसकी होगी, बहुत फास्ट काम होता है इसमें। तो अगर आप पुराने वाला डेटाबेस अगर आपको मैं दिखाऊं शॉर्ट में जो देखा था, तो यहाँ R1 की एक ही LSP थी। अब जैसे मैंने इसे DIS में कन्वर्ट किया, ये एक्टिव हो गई है, ये रिफ्रेश हो गई LSP, हर 15 मिनट बाद LSP रिफ्रेश होंगे। ये नहीं होंगे, इनके टाइमर देखिए घटते जा रहा है, ये 15-20 मिनट पहले थे, अब इसमें 148 सेकेंड ही रह गए, ये 1193 है। ठीक है, अब यहाँ क्या बात है, मैंने जो कल वीडियो में आपको पर्जिंग कॉन्सेप्ट बताया था, सिस्को में जो जीरो जीरो इज जो लाइफ टाइम है वो भी 20 मिनट का होता है सिस्को राउटर्स पे। तो जीरो लाइफ तो उसने जीरो कर लिया, लेकिन उसने होल्ड कर रखा है अभी भी उसे 20 मिनट तक के लिए, 1200 सेकेंड के लिए। तो ये केवल सिस्को के साथ आपको दिखाई देगा, बाकी जो राउटर है वहाँ 60 सेकेंड के अंदर ही पर्ज हो जाती है, बट सिस्को ने इसको 20 मिनट अब भी रखा हुआ है। ठीक है, तो जीरो करने के बाद भी इमीडिएट तो टाइम जीरो कर दिया उसने, जो उसका टाइमिंग चल रही थी, जो रिमेनिंग लाइफ टाइम जो घट रहा था वो इमीडिएट इसने क्या किया, जीरो तो कर दिया, लेकिन उसको अभी भी होल्ड करके रखा है जो 60 सेकेंड का होता है बाकी राउटर्स में, बाकी विंडोज में। सिस्को में वो 20 मिनट्स का होता है। कल शायद मैं इस बात को स्किप कर गया था, ये बताना कि सिस्को में 20 मिनट्स का रहता है। तो ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे इतने सेकेंड के बाद, ये चली जाएगी और अब आपका DIS बदल गया है, बहुत एक्टिवली बदल जाता है। अगर आप देखें शो ISIS डेटाबेस R2 में भी, ठीक है जी, ये क्या बात होगी। अब बात आ जाते हैं Level 2 पर, R4 पर आ जाते हैं। ये मैंने पहले टेस्टिंग की थी कॉन्फ़िगर करके कि कोई दिक्कत ना आ रही, तो इसे थोड़ा सा 49.0.0.2 और इसे हम रखेंगे Area 2 हो गया, ये Router 4 है और सेल आपका 0। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, IP राउटर ISIS और IS ऐसे भी आप कर सकते हो, IS सर्किट टाइप इंटरफेस पर भी जाकर उसका सर्किट टाइप Level 2 1 2 रहता है, तो Level 2 मैंने कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप R3 पे देखो, इसमें भी इंटरफेस इसका सेकंड जो इंटरफेस है उसे भी लाइव कर देते हैं। नेटवर्क वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, तो उस IP राउटर ISIS सर्किट टाइप Level 2, देखिए उसने बना लिया है। ठीक है, एडजेसेंसी Level 2 एडजेसेंसी बन गई है इसकी। अब इस राउटर पे अगर आप डेटाबेस देखोगे, इसमें एक और लूप पर भी डाल देते हैं तो आपको एक प्रीफिक्स दिखाई देगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 वो सॉरी इंटरफेस लूप 0 IP राउटर। अब R3 पे चलते हैं और डेटाबेस देखते हैं, शो ISIS नेबर। तो R4 एक नेबर आ गया, R1 R2 इसके पास L1 थे, एडजेसेंसी इसके यहाँ देख रहे हो L2 हो गई। ठीक है, अब शो ISIS डेटाबेस। तो यहाँ क्या है, जो ISIS Level 2 है उसका अलग डेटाबेस बना है, Level 1 आप देख रहे हो अलग डेटाबेस है,
और लेवल टू का अलग डेटाबेस। ये जो राउट्स हैं, ये जो उसका जो डेटाबेस है, कभी भी लेवल वन में इंजेक्ट नहीं हो सकता, कभी भी नेवर। ठीक है, आर फोर ये भी फास्ट इथरनेट लिंक है, तो ये स्यूडो नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट है। आर थ्री तो लेवल टू में आर थ्री का इंटरफेस है आपका, और आर फोर का है। लेवल टू एरिया में जो है, ये जो लेवल टू हमने रखा है, तो ये जो एडजेसेंसी है ये लेवल टू है, ये भी लेवल टू है। ये एल वन एल टू राउटर होगा, क्योंकि इसके ऊपर एल वन भी है, एरिया वन भी कन्फिगर हो रहा है, और एरिया टू भी आ गया इसके साथ। ठीक है, अब आर वन पर देखते हैं, शो आई एस आई एस डेटाबेस। अभी तक आप यहां देख रहे हो जो तीनों बिट्स हैं, ये सारे जीरो दिखाई दे रहे हैं। अब जो आपका बॉर्डर राउटर है, ये आर थ्री, इसने अटैच बिट ऑन कर दिया। जो आपका एल वन एल टू राउटर होता है, यानी जो बॉर्डर राउटर होता है, वो क्या करता है, अपने जो लेवल वन एरियाज हैं, जब उनके ऊपर एल एस पी भेजता है, अगर वो एल वन एल टू है, तो क्या करता है, उसमें से ये जो तीन बिट पोजीशंस हैं, इसमें से अटैच बिट को ऑन कर देता है। अटैच बिट का मतलब क्या है कि मेरे साथ एक लेवल टू एरिया कनेक्टेड है। अगर आप लेवल टू में जाना चाहते हो, किसी अदर एरिया में जाना चाहते हो, तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तो फर्स्ट रीच विद मी, देन आई विल फॉरवर्ड योर पैकेट टू एरिया टू। ये और इसके जो प्रीफिक्सेस हैं, जो अदर एरिया के प्रीफिक्स हैं, वो लेवल वन एरिया में कभी भी शो नहीं होते। अगर आप यहाँ पर शो आई पी राउट करते हो, शो आई पी राउट आई एस आई एस, तो आप देखोगे कि यहाँ केवल 2-3 और एक डिफॉल्ट राउट आ गया है। ये डिफॉल्ट राउट क्या है, जो जो राउटर्स अटैच बिट को रिसीव करते हैं, वो क्या करते हैं, उस राउटर से जो अटैच बिट को ऑन करके एलएसबी में भेज रहे हैं, उनके साथ डिफॉल्ट राउट बना लेते हैं। ये अगर आपको याद हो तो ओएसबीएफ के स्टब एरिया की तरह है, तो टोटली स्टब एरिया की तरह है। तो आईएसआईएस में जो नॉर्मल सिचुएशन है, वो भी स्टब की है। मीन्स जो एल वन एरियाज हैं, वो एल टू एरियाज के किसी भी प्रीफिक्स को नहीं जानते, लेकिन अगर आप इनकी रीचेबिलिटी देखोगे तो रीचेबिलिटी होगी 4 उसका है, तो 4 के साथ जा पा रहा है वायर डिफॉल्ट राउटर। ये क्या करते हैं, इस एलएसपी के साथ, यानी कि आर थ्री के साथ, जिसने अटैच बिट ऑन की है, उसके साथ अपना राउट सेट करते हैं, उसके साथ अपनी एसपीएफ चलाते हैं फॉर रीचिंग अदर नेटवर्क अदर एरियाज। और किसी भी तरीके की कोई लोड यहाँ आपकी राउटिंग टेबल में नहीं दिखाई देगा, सारे प्रीफिक्सेस आपके इससे इस डिफॉल्ट राउट से जा सकते हैं। तो अटैच बिट का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो लेवल वन लेवल टू राउटर अटैच बिट रखते हैं। पी पार्टीशन बिट है। पार्टीशन बिट क्या है कि अगर आप एरिया की पार्टीशनिंग करना चाहते हो, जस्ट लाइक वर्चुअल लिंक जो एसपीएफ में कॉन्सेप्ट था, उस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ रखना चाहते हो, तो यहाँ पार्टीशन बिट रखी गई है, इसे ऑन कर देते हैं। लेकिन सिस्को राउटर्स में पार्टीशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ आप जब चाहो आप ले, मतलब यहाँ वर्चुअल लिंक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि आप किसी भी एरिया को लेवल टू करके जा सकते हो। आपको बस क्या है, उनके लेवल बना चेंज करते जाना है और आपका काम होता चला जाएगा। ओवरलोड बिट क्या है, ओएल क्या है, ओवरलोड बिट है। ओवरलोड बिट का क्या मतलब होता है कि अगर ऐसा हुआ कि कोई राउटर आपकी LSPs के डेटाबेस को और नहीं रख सकता, मींस उसकी जो मेमोरी है वो लिमिट हो गई है, उसकी मेमोरी में और ज़्यादा LSPs नहीं आ सकते, तो वो राउटर क्या करता है, अपने आप को ओवरलोड डिक्लेयर कर देता है। क्योंकि अगर मैंने अपने नेबर्स को ये नहीं बताया कि आई एम नॉट कैपेबल टू स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन इन माई डेटाबेस, तो होगा क्या कि मेरी जो कंप्यूटेशंस हैं, जो बाकी सभी राउटर्स हैं, वो जो मुझे कंप्यूट करेंगे, तो वो रॉन्ग हो जाएगी। मीन्स जब मैं सारे LSP रख ही नहीं सकता और डेटाबेस सिंक्रोनाइज कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी मेमोरी नहीं है, तो मैं सबको एक एग्जैक्ट एक्यूरेट कंप्यूटेशन कैसे प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो ऐसे केस में वो अपनी ओवरलोड बिट को ऑन कर देता है। बहुत ही रेयरेस्ट बात है कि ऐसा होगा, तो लेकिन फिर भी ये ऑप्शन इन्होंने रखा है। तो ओवरलोड बिट वाली को ऑन करके अपने LSPs को भेज देता है अपने नेबर्स के पास। बाकी नेबर्स जब इसकी LSP को, जो ओवरलोडेड राउटर है, उसमें देखते हैं कि ओवर बिट ऑन है, तो वो इसकी LSP को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मीन्स इसे एज ए ट्रांजिट पाथ यूज नहीं करेंगे, किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए उस ओवरलोडेड राउटर को यूटिलाइज नहीं करते हैं, और उससे एज ए ट्रांजिट यूज नहीं होता। तो जनरली ओवरलोड बिट इसलिए होती है। लेकिन उसके डायरेक्टली कनेक्टेड, अगर किसी राउटर पे ओवरलोड बिट्स का डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है, तो उसे डायरेक्टली कनेक्टेड को काम में ले जा सकता है, लेकिन उसके साथ ट्रांजिट में से यूज नहीं कर सकता। मींस किसी और डेस्टिनेशन पर जाने के लिए उस राउटर को क्रॉस करके नहीं जाएगा। तो सभी जो राउटर्स हैं एरिया के अंदर जिनको ओवरलोड बिट रिसीव होती है, वो उस ओवरलोड बिट वाली LSP को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं फॉर द ट्रांजिशन ऑफ योर पैकेट्स। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ISIS कॉन्फ़िगरेशन और चेकिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से एरिया टू, अब यहां पर अगर आप R5 पर जाएं और जैसे आप
चाहते हो वैसे करते जैसे चले जाओ, नेट आपने कर दिया 49.0.0.0.2.0.0.0.0.0.0.5.0.0. ठीक है, और लेवल वन लेवल टू बाय डिफॉल्ट रहते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी राउटर ISIS, इंटरफेस लूप 0, आईपी राउटर ISIS, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और आप इसे कर सकते हो क्या ISIS सर्किट टाइप लेवल टू इंटरफेस लूप 0। तो इसका भी राउट अगर आप यहाँ इस ABR पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। पहले देख लेते हैं यहाँ नेवरशिप बनी है या नहीं। नेवरशिप फॉर्म नहीं हुई। अच्छा, हमने यहाँ F0/0 पर नहीं लगाया हुआ। इंटरफेस F0/0, आईपी राउटर ISIS। तो आप यहाँ देख रहे हैं 5.0 भी आ गया है, और R1 पे नहीं शो होगा, लेकिन पिंग करना चाहोगे आप। तो इस तरीके से आप सारे ISIS को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इन्हें L1, L2, L1, L2 राउटर रख सकते हो। इस पूरे को L1, L2, L2 एरिया में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसे L1, L2 रखोगे, इसे L1, L2 रखोगे, और इसे L1 रख सकते हो। चाहो इसके आगे और कोई एरिया लगाना है तो इसे L2 एरिया कर लो आप। तो माइग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्या है बस लेवल बदलते जाना है। एरिया नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने चाहे उतने राउटर्स आप लगा सकते हो। LSP का साइज़ हमेशा छोटा ही रहता है, ठीक है। जितने लेवल टू एरिया बनाओगे उतना ही उनका डेटाबेस बड़ा होगा, लेकिन जो लेवल वन एरिया हैं, जो क्लाइंट्स हैं, साइट्स जो हैं, वहाँ पर डेटाबेस का साइज़ हमेशा छोटा रहता है। तो बहुत ही कन्वीनियंट राउटिंग प्रोटोकॉल मुझे लगता है, ठीक है। मेमोरी बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, रिसोर्सेज भी बहुत सही यूज़ करता है, और लगाने में भी कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टर्म्स नहीं है। तो और जो इसमें प्रैक्टिकल्स की अगर बात बनती है तो वो फिर आपके आती है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग में यूज़ में आता है। ऑथेंटिकेशन आप इसमें लगा सकते हो, तो ऑथेंटिकेशन की भी प्रैक्टिकल्स बनते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स में, नेक्स्ट लैब में किस तरीके से ऑथेंटिकेशन को यूज़ करेंगे। कोई भी डाउट अगर आपको ISIS के कॉन्फ़िगरेशन से लेकर है तो आप, मैं पूरे डिज़ाइन पर काम नहीं कर रहा हूँ, आप क्या करना, आप खुद ही इसको बनाना और लगा कर देखना किस तरीके से करता है। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कोई भी इशू आप बेफिक्र होकर पूछें तो मैं उसमें तैयार हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। बहुत ध्यान से आप सब लोग इसको देखना, और मिलेंगे फिर किसी और नई टेक्नोलॉजी की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।